Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So as I have promised earlier that I will be making a full descriptive video on how to be a nurse in UK. So I'm gonna start that video without wasting any more time. So अगर आप ये video end तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना सही रहता है और कब क्या करना चाहिए. आई मीन आप असेस कर सकते हो क्योंकि सबके अपने सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको असेस कर सकते हो. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हो. आई एम गोना ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. तो मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आ रहे थे, बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप से, बहुत सारे पेरेंट्स के भी आए थे अपने बच्चों के रिगार्डिंग कि हमें क्या करना चाहिए, स्कूल के बाद क्या करना सही रहता है क्या नहीं, कॉलेज के बाद कैसे करना चाहिए, क्या आगे क्या पाथ लेना चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी हो, अफोर्डेबल भी हो और जल्दी भी हो, टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो. तो चलो मैं बिना टाइम वेस्ट करे वो स्टार्ट करती हूँ. तो मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगी, यानी कि स्कूल लेवल से, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स जो स्कूल से जस्ट पास्ड आउट हैं उन्होंने भी मुझे पूछा है कि कैसे दीदी कैसे करना होता है, क्या क्या हेल्प करेगा क्या नहीं करेगा. सो होपफुली मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बहुत लोगों के लिए. अपनी जर्नी से ही स्टार्ट करूँगी ये वीडियो. जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 10th पास आउट थी, तो या आई गॉट गुड मार्क्स इन 10th एंड मैंने साइंस लिया. मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, लेकिन सबके पास 12th के बाद एक क्वेश्चन होता है कि अब आगे क्या करना है. ठीक है, तो अभी मेरे पास जो 12th पास स्टूडेंट्स जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो ये क्वेश्चंस मेरे पास भी कभी हुआ करते थे, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे कोई गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं थी. तो अभी 12th के बाद जो साइंस बैकग्राउंड से पास आउट होते हैं, तो मैंने अपना मैथ्स भी ड्रॉप कर दिया था 12th में. तो मेरे पास ऑप्शन, आई वॉज ओनली लेफ्ट विद मेडिकल साइंस. तो मुझे जो भी मेडिकल साइंस से पास आउट होते हैं उन सबको डॉक्टर बनना होता है. ओके, तो मुझे भी डॉक्टर बनना था. पर 12th के बाद, और पेरेंट्स की भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ चलो बेटी मेडिकल साइंस से पढ़ी है स्कूल में तो डॉक्टर बनेगी, या नॉन मेडिकल से पढ़ी है तो इंजीनियर बनेगी. लेकिन जो उसका स्ट्रगल होता है, मैंने देखा कि स्कूल टाइम में भी बहुत लोग जो 11th 12th में होते हैं वो इधर उधर कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं कि चलो नीट की प्रिपरेशन पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं थी. तो मैं मिनिमल जो भी मेरी प्रिपरेशन थी CBSE लेवल तक की, मैंने उसके साथ नीट का एग्ज़ाम दिया था. और नीट को भी फर्स्ट टाइम में क्रैक करना बहुत टफ होता है अगर आपने प्रॉपर कोचिंग नहीं ली है या आपने प्रॉपर उसको टाइम नहीं दिया है. तो मैंने दिया नीट का एग्ज़ाम एंड एज एक्सपेक्टेड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली बुरा लगा कि अब क्या करेगी लड़की ने, मैथ्स भी ड्रॉप कर दिया, अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता है कि वो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे. तो मुझे भी, मेरे पास भी यही मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि आशिमा अब क्या करना है, अब क्या होगा. तो उसके बाद मैंने, मेरे जो आसपास के लोग थे, मुझे किसी ने बताया नहीं कि करना क्या है, और मैं ड्रॉप नहीं करना चाहती थी. तो मैंने अपने आसपास नज़रें घुमाई, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे जानने वाले थे, मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं, कईयों का हो गया नीट में, चलो ठीक है, वेल एंड गुड. पर जिनका नहीं हुआ, जिनके साथ मैं फॉल करती थी, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने ड्रॉप कर दिया. ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आशिमा चल ड्रॉप कर लेते हैं, एक साल प्रिपेयर करते हैं, फिर नीट का एग्ज़ाम देते हैं. तो मुझे ड्रॉप भी नहीं करना था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और इंडिया में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज मिडिल क्लास होती हैं. तो आई मीन मेरा तो था कि मुझे ड्रॉप नहीं करना है, एटलीस्ट मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं बस, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं ड्रॉप नहीं करूँगी. तो मैंने ड्रॉप का ऑप्शन ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप नहीं किया. उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे पास तो पैसे हैं भाई, हमें तो ड्रॉप भी करने की नीड नहीं है, हमारा नीट में भी नहीं आया है, या तो हम किसी प्राइवेट कॉलेज में MBBS में एडमिशन ले लेंगे, या फिर हम बाहर चले जाएंगे, अब्रॉड जाके MBBS करेंगे, या कुछ भी और दूसरा कोर्स करेंगे. तो अगेन मिडिल क्लास वाली बात आती है फिर दिमाग में कि नहीं, हम, मैं वो नहीं कर सकती हूँ. ऑब्वियसली बहुत लोग सोचते हैं कि चलो लोन लेके चले जाते हैं, हाँ मुझे लोन लेके भी नहीं जाना था, तो मैंने वो ऑप्शन भी ड्रॉप कर दिया. तो जब मैं पास आउट हुई थी स्कूल से, इट वॉज 2015, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते थे वो सेपरेटली निकलते थे, वो नीट में इंक्लूडेड नहीं थे. पर अभी मेरे सिस्टर्स ने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है, तो अब मुझे पता चला है, मेरी भी नॉलेज अपडेट हुई है कि अब वो नीट के अंदर ही आते हैं, तो अब आपको सेपरेटली नर्सिंग के फॉर्म्स भरने की नीड नहीं होती है.
तो जब मैंने फॉर्म्स भरे तो फिर एंट्रेंस के एग्जाम्स थे उनके भी, ऑब्वियसली एंट्रेंस के एग्जाम्स थे नर्सिंग के लिए, और उनकी सीट्स भी MBBS से बहुत कम थी, तो मुझे था कि चलो अगर ये मिल जाए तो ये भी कर लूँगी, एटलीस्ट मैं अपने हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ी रहूँगी, या फिर बाद में अभी नर्स बन जाऊँ, बाद में कभी ना कभी डॉक्टर बन ही जाऊँगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो और सेकेंड थिंग ये थी कि अफोर्डेबिलिटी की बात थी, पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस देना नहीं था, खुद के पैरों पे खड़ा होना था, ड्रॉप नहीं करना था, और बस जॉब स्टेबिलिटी चाहिए थी, जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी। तो फिर मैंने दो तीन एंट्रेंस एग्जाम्स दिए और मेरा एक दो तीन यूनिवर्सिटीज़ में मेरा आ गया, काफ़ी अच्छा रैंक आया था, तो आई गॉट टू चूज़। तो मैंने डॉक्टर RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से अपना नर्सिंग डिग्री परस्यू किया, बहुत मज़े मारे मैंने पूरे 4 साल। हाँ ऑब्वियसली असाइनमेंट्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, तो मैंने वो भी किया। तो जब मैं थर्ड ईयर में थी या मैं फोर्थ ईयर में थी, मैंने देखा मेरे आसपास फ्रेंड्स जो थे, जब आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में आप फोर्थ ईयर में आते हो तो आप एक मज़े मोड में तो होते ही हो, पर आपको दिखता है कि कहीं कहीं पे जो बच्चे कोने कोने में छुप के ना कुछ कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे पता चला कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो अभी से ही जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भैया, कि मतलब अभी फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा और उनको क्या चाहिए, उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी जॉब स्टेबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। तो मैंने कहा अच्छा अभी से ही, तो मैं अपने लिए वो गलती मानती हूँ वैसे, कि मैंने फोर्थ ईयर में मतलब मैंने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हम लर्न कर सकते हैं, मे बी अगर मैं देती तो मुझे आगे थोड़ा हेल्पफुल होता, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो मैंने देखा कि बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फोर्थ ईयर मैं पास आउट हो गई। तो अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन होता है अब आगे क्या करना है। तो फिर मैंने देखा मेरे जो फ्रेंड्स थे और पीयर ग्रुप के लोग थे, वो एक रेस में लग गए थे कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब चाहिए, क्योंकि इंडिया में जॉब स्टेबिलिटी का दूसरा मतलब ही गवर्नमेंट जॉब है। तो सब माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब हो जाए, किसी भी फील्ड में हो जाए, ठीक है। तो मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, चलो अच्छा भी है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स में इंडिया में एक मेजर सैलरी डिफरेंस भी है, तो और गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो कम्स विद सम बेनिफिट्स एज वेल, सो ऑब्वियसली लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए चलो 4 ईयर पास आउट हो गए, 4 साल पूरे हो गए नर्सिंग के, डिग्री आ गई। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आगे क्या होता है नर्सिंग में, एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसकी भी एकदम होड़ लग जाती है कि हाँ, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग लेते हैं, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी लगा, मैंने देखा कि मुझे भी लोगों ने बोला कि आशिमा चलना क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार तो जॉब के लिए एग्जाम देना बनता है। मतलब मैं उतनी कॉन्फिडेंट थी नहीं कि मतलब मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा नीट में भी नहीं आया था, लेकिन नीट में मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था उतना, मतलब अप टू द मार्क। तो मैंने कहा चलो हम ना प्रिपेयर करते हैं पहले, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग तो जा रहे हैं मास्टर्स करने, MSc करने, और कुछ लोग जॉब के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट यही था कि मुझे जॉब स्टेबिलिटी पहले चाहिए, क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था, और मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं मेरी तरह, उनकी थिंकिंग शायद यही होती है कि उनको फैमिली को इतना स्ट्रेस नहीं देना है और फैमिली से पैसे नहीं लेने हैं ग्रेजुएशन के बाद कि मम्मी पैसे दे दो मोमोज खा के आने हैं, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। तो अपने पैसे चाहिए, अपना पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना करियर खुद बनाना है, ठीक है। तो मेरे लिए भी थोड़ा ये था कि चलो मैं जॉब करूँगी, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी। तो मैंने भी अपने एक दो फ्रेंड्स की देखा देखी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया एक किसी कोचिंग में, तो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। अब मैं क्रैश कोर्स में गई तो मैं वहाँ बैठी, मैंने देखा एक महीने में वो एक दिन में 4 या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो 2 या 2 से 3 घंटे की क्लास लेते हैं, उन्होंने मेरा पूरा फीस ले लिया, वो फीस भी बहुत हाई चार्ज करते हैं, मतलब उतना हाई भी नहीं पर हाँ बहुत लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पर सम हाउ मैंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया तो मेरे पेरेंट्स ने अफोर्ड कर लिया। लेकिन मेरा दिल अंदर से फिर भी उस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था, तो मैं गई क्रैश कोर्स में, उन्होंने एक महीने में मुझे बहुत सारा 4 साल का पढ़ाई पढ़ा दिया, और जो कि आधा मुझे समझ में आया, हम जब कुछ ध्यान से पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत रिटेन करते हैं, ऑब्वियसली मैंने उसका 10-25% में रिटेन किया, पर 75% वॉज गॉन अबव माई हेड। तो मैंने कहा ये क्या हो गया,
फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर हो ही गया है, तो चलो अब एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए. तो मैंने फॉर्म फिल आउट किया, मैं एग्ज़ाम में बैठी और मेरे ख्याल से फिर रिजल्ट्स आए और मैं सेलेक्ट नहीं हुई. तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि नीट का एग्ज़ाम स्कूल के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना बहुत टफ होता है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग निकाल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं, पर ऐसे ही एकदम ग्रेजुएशन के बाद आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वो भी थोड़ा टफ होता है उसको भी क्लियर करना. तो बहुत बच्चे जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो मैं उनमें से नहीं थी ऑब्वियसली, मैंने बहुत मज़े मारे हैं ठीक है. तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मुझे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, कॉलेज तो एक ही बार आता है लाइफ में. उसके बाद फिर मेरा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, और मेरी फैमिली वाले भी मुझे पूछने लगे, मेरी मम्मी पापा सब पूछने लगे कि अब क्या करना है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ. चलो ठीक है ड्रॉप कर लो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिनका नहीं होता है ड्रॉप करते हैं, एक साल दो साल तीन साल पढ़ते हैं और फिर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जब तक नहीं हो तब तक देते हैं. तो अगेन मैं ड्रॉप करने के तो अगेंस्ट में थी स्टार्टिंग से, मैंने तो अपने कॉलेज के लिए ड्रॉप नहीं किया, नर्सिंग में एडमिशन लिया, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ड्रॉप नहीं करने वाली थी, दैट वॉज नॉट माई डिसीजन एट ऑल. फिर मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स कर लेते हैं बाहर से ठीक है. तो मैंने फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ चेकआउट करनी स्टार्ट करी कि मुझे कहाँ मास्टर्स करना है. तो मैंने ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर दी जिसमें फ़ीस थोड़ा सा मिनिमल होता है ठीक है. तो उस टाइम पे मेरा बैक ऑफ द माइंड में ये था कि चलो क्या पता स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन हो, क्योंकि एज आई टोल्ड दैट आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो माय पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड दैट मच lakhs of money to give me like just go and study in abroad. No, I was not in that group. तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्कॉलरशिप का क्या पता ऑप्शन होता हो. तो मैंने ऐसे ही चलो एक लीप ऑफ द फेथ लेके मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट किए. चलो ठीक है मुझे मेरिट लिस्ट से मेरे एक दो यूनिवर्सिटीज़ में मेरा आ भी गया ठीक है. तो उसके बाद आती है फ़ीस की बात. तो मैंने उनसे बात करी कॉलेज वालों से कि ऐसा ऐसा है मेरा सर्कमस्टेंस ये है, मैं ऐसे फुल अमाउंट में फ़ीस नहीं दे सकती हूँ, एंड देन दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन. क्योंकि आपको क्या होता है कि अगर आप कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो बाहर के अब्रॉड के यूनिवर्सिटी में, देन यू हैव टू गिव द होल फीस, एंड देन इट वॉज नॉट जस्ट ओनली फीस, उसके बाद आपको ब्लॉक्ड अमाउंट भी दिखाना होता है. तो वो एक कुल मिला के बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है. आई गेस नहीं है अफोर्डेबल, मेरे लिए नहीं था. तो मैं यही कहूँगी कि हाँ मेरे लिए नहीं, तो ऑब्वियसली जो मेरे शूज़ में कोई और है तो उसके लिए भी नहीं होगा, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी वैसे, वो आपको पता चलेगा अगर आप एंड तक ये वीडियो देखोगे तो. चलो ठीक है मैंने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे पैसे थे ही नहीं, किससे पैसे मांगती. ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, पेरेंट्स को पता लग गया था कि गवर्नमेंट जॉब में हुआ नहीं है, स्टडी के लिए पैसे देने के लिए मेरी खुद ही की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे मांगूँ, पैसे हैं ही नहीं पेरेंट्स के पास. तो फिर मैंने कहा चलो अब सेकेंड ऑप्शन बचता है कि डायरेक्टली जॉब देखा जाए बाहर, बस लक आजमाना है ठीक है, क्या पता जॉब लग जाए डायरेक्ट, क्या पता नीड ही ना पड़े. तो फिर मैंने जॉब के लिए सर्च करना शुरू किया, उसके लिए भी मुझे किसी ने ज़्यादा गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं दी, मैंने खुद से ही R&D किया, इधर उधर थोड़ा देखा, थोड़ा रिसर्च किया, एज आई लव रिसर्च, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी. तो फिर मुझे थोड़ा पता चला कि आप डायरेक्टली भी वर्क पे बाहर जा सकते हो, ये सिर्फ नर्सिंग के लिए ही नहीं है, ये सारे फील्ड्स के लिए है, बट मैं भी नर्सिंग की बात करूँगी. तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने चेकआउट करना शुरू किया कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन ज़्यादा लोगों को वो करते हैं, जैसे कि जॉब ऑफर करते हैं ठीक है. तो मैंने अपनी फेवरेबल कुछ कंट्रीज़ मतलब सर्च करी, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करी, अपनी एलिजिबिलिटी मैच करके देखी कि क्या है क्या नहीं है. तो सबसे जो एक कॉमन चीज़ थी जो सब कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड थी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वही करना था. तो फिर मैंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए सर्च किया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ. तो अगर आप यूरोप के लिए आ रहे हो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए अगर कर रहे हो तो आपको OET या IELTS करना होता है, कैनेडा के लिए भी सेम करना पड़ता है, OET या IELTS करना पड़ता है. पर अगर आप अमेरिका साइड जा रहे हो तो वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है, उस पर भी मैं बाद में आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में भी, पर इस वीडियो में नहीं.
तो मैंने फिर OET या IELTS में से मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है. तो फिर मैंने जब क्योंकि यूजुअली जो बच्चे OET या IELTS के लिए जाते हैं वो एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि OET IELTS भी मतलब ऑब्वियसली सबकी इंग्लिश अच्छी होती है आजकल इंडिया में, बट स्टिल आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट टाइम कि मुझे करना चाहिए बिना कोचिंग के या नहीं करना चाहिए. सो आई थॉट लेट्स जस्ट गो एंड चेक वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. एंड देन मैंने वहाँ पर एक टीचर से बात भी करी तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप या तो OET करो या IELTS करो, वट एवर यू डू, इफ यू गो विद अ प्रॉपर प्रिपरेशन देन देर इज अ चांस दैट यू विल पास इन वन अटेम्प्ट. बट उनके पास ये भी केसेस थे जिन्होंने कोचिंग लिया पर उनका भी नहीं हुआ. वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैसी है. तो मुझे था कि चल एक बार ना एग्जाम दे के देखते हैं कि क्या पता हो ही जाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको 3 या 4 महीने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो. तो मैंने कहा 3-4 महीने में क्या करूँगी, 3-4 महीने बस मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं थी ना वो बैठने की, मैं कुछ करती रहती हूँ. तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है. उन्होंने मुझे बोला कि आप मत करो, आप प्रिपरेशन करो उसके बाद आप देना. तो मैंने चलो वहाँ पर मैंने कहा चलो अब क्रैश कोर्स किया है तो चलो अब ये भी सही, तो मैंने वो ज्वाइन किया. ठीक है, तो उसके बाद सवाल था कि मुझे IELTS देना है कि मुझे OET देना है. तो मेरे टीचर ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि जो OET और IELTS में क्या डिफरेंस है. OET का फीस थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे OET का जब मैंने किया था उस टाइम पे वो 35,000 का था, अभी थोड़ा शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 40 के अराउंड है, आई डोंट नो, बट वो आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या फ़ीस है अभी इस टाइम पे. और IELTS का जो फीस होता है वो उस टाइम पे 17,000 या 18,000 था. तो फीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस था. और एक डिफरेंस और भी था, अगर आप IELTS देते हो तो वो एक जनरल माना जाता है, उसमें जनरलाइज्ड लिटरेचर आपको सिखाई जाती है, उसके डिफरेंट बैंड्स होते हैं, वट एवर यू विल नो अबाउट इट इफ़ यू जस्ट सर्च अबाउट इट. तो और OET में क्या होता है कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल होता है OET देना, क्योंकि उसमें आपको यू डोंट हैव एनीथिंग टू डील विद इंग्लिश लिटरेचर, आपको बस मेडिकल टर्मिनोलॉजी से डील करना है. ठीक है, आपको जो भी पैराग्राफ्स आएंगे, आपको जो भी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग दिया जाएगा वो सब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अराउंड रोटेट करेगा, तो आपको ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में नहीं घुसना है. ठीक है, तो आपको बस अपनी मेडिकल फील्ड का ध्यान रखना है. तो मुझे वो थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा IELTS करने से, तो मैंने OET चूज़ किया. ठीक है, तो फिर मैंने स्टार्ट करा OET का कोचिंग. तो OET का कोचिंग होने वाला था 3 या 4 महीने का, तो मुझे लगा कि चलो 3-4 महीने क्या करना है, तो कहीं पर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं. तो मैंने घर के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा जॉब हो गया वहाँ पर. पर ऑब्वियसली मतलब कॉलेज में भी जब हम कॉलेज पास आउट करते हैं तो वो भी प्लेसमेंट्स मतलब मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट्स नहीं थी, वो 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए थे प्लेसमेंट्स के लिए. पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सैलरीज ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल सैलरीज. तो मुझे ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिली, वही 25-30,000 के अराउंड मिली जिसमें गुजारा तो नहीं था. पर हाँ, मैं अपनी OET की फ़ीस अफोर्ड कर पा रही थी और अपना खर्चा अफोर्ड कर पा रही थी उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, साथ साथ मेरी OET की कोचिंग चलती रही, मेरे साथ साथ जॉब चलता रहा. एंड उसके बाद 3 महीने बीत गए. 3 महीने के बाद फिर मैंने OET का एग्ज़ाम दिया और आई गॉट पास्ड, मतलब काफ़ी अच्छे ग्रेड से. जो भी दिल्ली से पास आउट्स होते हैं उनको DNC मतलब कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से अपना एक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है. तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आता है एक्सपीरियंस, जो सेकंड स्टेप होता है. ठीक है, तो जब मैंने थोड़ा R&D किया तो मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट ही है कहीं पर जॉब अप्लाई करने के लिए अब्रॉड में. पर मैंने देखा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को प्रेफर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है तो क्यों ना जॉब ना छोड़ी जाए, तो एक्सपीरियंस भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ करना नहीं था डॉक्यूमेंटेशन में, सब कुछ ऑनलाइन था. तो एक्सपीरियंस मेरा चलता रहा. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, थर्ड स्टेप जो होता है इसका, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, अदरवाइज़ ये बहुत वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा. तो आई एम गोना एक्सप्लेन द होल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन माय नेक्स्ट वीडियो. तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद जॉब भी मिल गई.
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यू ऑल नो क्या हुआ, उसके बाद कोविड का वेव आ गया। तो 2020 में कोविड वेव हिट हुआ और 2 साल के लिए सब कुछ रुक गया। आई मीन सब कुछ रुक गया लिटरली, मतलब किसी को भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, फ्लाइट्स नहीं जाएंगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा बहुत वो कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी अपने अंदर कि काश मैंने अपने थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में ओईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होता, तो मेरे वो जो महीने ओईटी की प्रिपरेशन करने में जो गए हैं, मे बी हो सकता मैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन कर लेती और कोविड से पहले मैं चली जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने जो मिस्टेक करी उससे मैंने लर्न किया। और मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हो नर्सिंग में और आपने पहले से ही सोच लिया है कि आपको बाहर ही जाना है जॉब करने, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में ही अपना ओईटी या आइल्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो और एग्ज़ाम दे दो, क्योंकि दोनों का स्कोर जो होता है वो 2 ईयर्स तक वैलिड होता है। तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे इन सब चीज़ों में, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन ख़त्म, डिग्री हाथ में, सीधा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट। अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो अगर आपने ओईटी और आइल्स करके रख भी लिया है और अगर आप फिर भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप वो स्कोर हाथ में रख के भी उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप, अगर आपके पास 1% भी चांस है कि आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तो आपको आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा, आपके पास एक स्कोर होगा हाथ में और आप डायरेक्ट बाहर के लिए, आप अब्रॉड के लिए आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं वापस अपनी जर्नी पे आऊँ तो येस, आई गॉट जॉब इन UK एंड आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट 3 ईयर्स नाउ। और यहाँ पे रह के मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट असेसर भी हूँ, तो मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ। तो मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, और मुझे पता है कि क्योंकि मैं भी वहाँ पे उस सिचुएशन में थी पहले, क्योंकि वो होता है कि एक स्टूडेंट्स बोलते हैं पेरेंट्स को 12th के बाद कुछ नहीं होता, तो चलो मम्मी मुझे बाहर जाना है, आप प्लीज़ मुझे अब्रॉड स्टडी के लिए भेज दो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप आ सकते हो, आप यहाँ पे नर्सिंग डिग्री परस्यू कर सकते हो, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। लेकिन आप अगर आते हो, चलो ठीक है, आपने नर्सिंग डिग्री यहाँ से करी, उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसे जॉब के लिए कोई रेस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास स्किल है, आपको जॉब मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन भी हाई नहीं है। लेकिन अगर आप लोन लेके आ रहे हैं, आपका फाइनेंशियली आप उतना स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं है, आप लोन लेके अगर अपना अपने बच्चे को भेज रहे हैं या जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो लोन लेके अगर यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लाइफ उतनी सिंपल है नहीं। क्योंकि अगर आप लोन लेके आए होते हो तो आपको यहाँ पर एक तो स्टडी करना होता है, सेकंड नंबर आपको लोन चुकाना होता है और आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैनेज करना होता है यहाँ पे, तो और भी प्रेशर, और भी चीज़ें होती हैं। जब आप ये 3 चीज़ों के लिए भाग रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी वो कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते जितना आप करना चाहते हो, तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर भी होता है उस चीज़ में। तो मैं तो वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी अनटिल अनलेस अगर आपकी फैमिली बहुत रिच है और आपको यहाँ पे पार्ट टाइम करने की नीड ही नहीं है, तो फिर तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, फिर तो आपको बस आना है, पढ़ना है, जॉब करना है, सीधा फिर छुट्टी। लेकिन अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है तो आपको लोन लेके आने के लिए यहाँ पे नर्सिंग डिग्री के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बता ही दिया है थोड़े बहुत डीमेरिट्स हैं उसके। और जो लोग यहाँ पे नर्सिंग करना आना भी चाहते हैं उनको भी मैं एक पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इंडिया से नर्सिंग करके आते हो तो आप जनरल नर्सिंग करके आते हो इंडिया से, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर नर्सिंग डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपको, आप यहाँ पे जनरल नर्सिंग नहीं पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पे किसी स्पेसिफिक फील्ड में अप्लाई करना होता है, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, बट देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन एडल्ट इफ़ आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग करी है। तो वो मैं अभी उसमें डीप में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये जस्ट एक छोटा सा पॉइंट था। तो मैं खुद इंडिया से नर्सिंग करके आई हूँ, तो मेरी नर्सिंग जनरल नर्सिंग है, तो मैं, मुझे उसके बेनिफिट्स हैं और मैं ऑब्वियसली डीप में नहीं जाऊँगी उसमें। तो
तो मैं यही रिकमेंड करूंगी. तो अगर आप मेरी तरह हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, या आप आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने आप से सब कुछ करना चाहते हैं, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप खुद के डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, और आप एक स्मार्ट मूव लेना चाहते हैं लाइफ में, और आप कम टाइम लेके जल्दी अपना करियर प्रोग्रेस करना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि और हाँ, प्लस आप अब्रॉड आना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडिया में रहना चाहते हैं फिर वो तो इंडिया में ही रहेंगे ऑब्वियसली. हाँ, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी नर्सिंग डिग्री इंडिया से करें और उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए ही अप्लाई करें, वो ही बेटर होगा आपके लिए इन ऑल एस्पेक्ट्स. तो मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करूँगी. तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सबको पता है, या आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं. तो आई विल ट्राई टू रीच यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो एज वेल. एंड होपफुली ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो मुझसे स्कूल के बच्चों ने पूछा था नर्सिंग डिग्री का कि कहाँ करना चाहिए, कहाँ बेनिफिशियल है, कहाँ नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा. और तब तक के लिए सी यू लेटर, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.